लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं समेत लखा सदाना और दीप सिद्धू पर भी FIR दर्ज की। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं और आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। दिल्ली के 3 थानों में 25 FIR दर्ज की गई है। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर राजेवाल, जोगिंदर उग्राहा के अलावा योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर के भी नाम है जो किसान आंदोलन के साथ थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पंजाब की गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सदाना और दीप सिद्धू के खिलाफ भी हिंसा के मामले में FIR दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 जनवरी हिंसा को लाल किला और सेंट्रल दिल्ली इलाके में हुई हिंसा में दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सदाना का रोल सबसे अहम था। दोनों ही किसान आंदोलन के दौरान काफी एक्टिव थे। हालांकि बाद में किसानों के कुछ धड़ों ने दीप सिद्धू को प्रदर्शन से हटाया भी था। लखा ने सिंघू बॉर्डर पर रेड लाइट पर बैठे किसानों के बीच भड़काऊ भाषण भी दिया था। सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम चला है कि दोनों किसान प्रदर्शन से कुछ दिन पहले गायब भी हुए थे। 26 जनवरी को हुई हिंसा का आरोप कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ही लगा रहे हैं। दिल्ली ITO और लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने इस पूरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है और कहा है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी का एक विचार साझा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर तरह से हिंसा को बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस भी समझती है लेकिन समझौता नहीं होने देना चाहती। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। CAA में भी ऐसा ही हुआ। तो 26 जनवरी को ही हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली ITO और लाल किले पर हुई हिंसा पर पुलिस ने 37 किसान नेताओं समेत कई लोगों पर FIR दर्ज कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि किसान नेताओं ने पुलिस के साथ विश्वासघात किया है और जो भी मुमकिन कार्रवाई होगी वो की जाए। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी अग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ UAPA देशद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज किया है। किसान आंदोलन के दौरान सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर झंडा फहराने का ऐलान किया था और झंडा फहराने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया था। 26 जनवरी को हुई घटना की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी लेकिन अब एक मिनट में हम आपको कुछ अनदेखी तस्वीरें दिखाते हैं। ये CCTV वीडियो दिल्ली के नांगलोई का है। यहां एक पुलिस वैन को पलटने की कोशिश की जा रही है। पहले कुछ लोग हाथों से वैन पलटने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें हटाया जाता है, जिसके बाद कुछ लोग ट्रैक्टर से टक्कर मारने का इशारा करते हैं। दो ट्रैक्टर पुलिस वैन को पलटने के लिए तैयार हैं। पहले एक ट्रैक्टर से टक्कर मारी जाती है और उसके बाद दूसरा ट्रैक्टर आता है और पुलिस वैन को पलट देता है। एक बार फिर से देखिए कैसे वैन पलटने पर ये लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें किसी आम इंसान के लिए डराने वाली हैं। एक हादसे से कम नहीं है, उस पर ये लोग झूम रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, इस भीड़ में एक प्रदर्शनकारी तलवार भी लहरा रहा है। ट्रैक्टर ने जैसे ही पुलिस वैन को पलट दिया ये शख्स हवा में तलवार दिखाने लगा और वहां मौजूद प्रदर्शनकारी इस पूरी हिंसा का वीडियो बनाते रहे। इसी हिंसक घटना के बीच दिल्ली पुलिस के संयम बरतने की बहुत सी तस्वीरें भी वायरल हो रही। गणतंत्र दिवस पर पुलिस के साथ हुई बर्बरता की ये तस्वीर आपको डरा सकती है जब हिंसक भीड़ कानून तोड़कर सुरक्षा कर्मियों को ही मारने दौड़ पड़ी।
दिल्ली पुलिस की सबसे खतरनाक तस्वीर है ये, जिसमें एक निहंग यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों पर फरसा चला रहा है। देखा आपने, एक निहंग सड़क पर पुलिस कर्मियों के पीछे भाग रहा है। वो आगे तक पुलिस के पीछे भागता है और फिर लौट आता है। इस दौरान कई पुलिस वालों ने बाइक से जाने की कोशिश की, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ से एक और प्रदर्शनकारी आता है और पुलिसकर्मी पर फरसा चला देता है। ये पुलिस वाला बाइक छोड़कर भागने लगता है, लेकिन इतने पर भी ये प्रदर्शनकारी नहीं रुके और आगे बाइक पर सवार दो पुलिस वालों पर फरसा लेकर टूट पड़ता है। एक पुलिसकर्मी भागता है, लेकिन बाइक चला रहे जवान पर फरसे से हमला किया जाता है और किसी तरह से वहां से भागते हुए पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। लाल किले के बाहर जो हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं लाल किले के अंदर हुई कुछ घटनाओं की तस्वीर। दिल्ली में लाल किले पर जो कुछ हुआ वो अब तक आपने सिर्फ बाहर से देखा था। हम आपको लाल किले के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अंदर और बाहर से इसे घेर लिया। शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए ये प्रदर्शनकारी प्राचीर तक पहुंच रहे थे। इस भीड़ में ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के हाथ में धार्मिक झंडे हैं। अब इस शख्स को देखकर समझिए कि इन प्रदर्शनकारियों के मन में क्या भाव थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर किले में अंदर घुसे प्रदर्शनकारी खुशी जाहिर कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे लाल किले की प्राचीर के हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। तो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि घटना कितनी भयानक थी। लाल किले की इन तस्वीरों को देखिए, मेज पर आपको बस शीशे ही शीशे नजर आ रहे होंगे। इन बिखरे शीशे के टुकड़ों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल लाल किले में कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये लाल किले का टिकट काउंटर है, जहां से लोग टिकट लेकर लाल किला देखते हैं। लेकिन कल लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने यहां काफी तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम को तोड़ दिया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया। ये टूटी कुर्सियां, टूटे हेलमेट्स इस बात के गवाह हैं कि कैसे कल पुलिस वालों के साथ बर्बरता हुई। कल पूरा देश 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था। लोग राजपथ पर निकल रही झांकियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन इन झांकियों को देखने के बाद ये नहीं लगता कि ये वही झांकियां हैं जो जब राजपथ पर चल रही थी तो इन्हें देखकर हर देशवासी खुश हो रहा था। इसी के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पड़ने वाले बेलगाम को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनातनी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बेलगाम मामले को तूल देने की कोशिश की है। बेलगाम विवाद पर लिखी हुई एक कविता का विमोचन करते हुए केंद्र सरकार ने इन मराठी इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की मांग की। मामला अदालत में होने के बावजूद कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है। उस क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों के अत्याचार को देखते हुए हमारी सरकार अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क करेगी और कोशिश करेगी कि जब तक मामला अदालत में है इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया जाए। महाराष्ट्र के सीएम के इस बयान के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने इस मामले में पलटवार किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कर्नाटक में लोग चाहते हैं कि मुंबई कर्नाटक में आ जाए। जिस क्षेत्र को लेकर विवाद है वहां के लोगों की मांग है कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाए। यही मांग मेरी भी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा से सटे बेलगाम का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार ने बेलगावी कर दिया है। और अब देश भर में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,80,000 से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 12,689 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 137 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,320 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना के कुल 1,06,89,527 मामले आ चुके हैं। इनमें कुल 1,03,59,305 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,76,498 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,53,000
724 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97% के करीब है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 100 से भी कम नए मामले सामने आए। एक मिनट में पूरी खबर दें। पिछले 10 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली में कोरोना के 100 से भी कम नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 96 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 212 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,34,325 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,21,995 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,501 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,829 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98.05% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.7% है। हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई दो बाघिन की लड़ाई का वीडियो हमने आपको दिखाया था। इसके बाद बुधवार को वन विभाग ने उनमें से एक को गंभीर चोट लगने की पुष्टि भी की है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में कुछ दिनों पहले दो बाघिनों के लड़ने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये दोनों बाघिन इलाके पर अपना वर्चस्व जमाने को लेकर आपस में भिड़ गई थी। बुधवार को वन विभाग ने इनमें से एक बाघिन रिद्धि का उपचार किया, जिसे इस लड़ाई में गंभीर चोट आ गई थी। वन विभाग ने पहले रिद्धि को बेहोश किया और फिर उसका उपचार किया। कुछ दिनों पहले रणथंभौर के जोन नंबर में बाघिन रिद्धि की अपनी ही बहन बाघिन सिद्धि से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें रिद्धि के पैर और जीभ में गहरी चोट आई थी। इसे लेकर वन विभाग द्वारा बाघिन रिद्धि को ट्रैंक्विलाइज किया गया और पशु चिकित्सक द्वारा उसका उपचार किया गया। इस दौरान वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। उपचार के बाद बाघिन रिद्धि को फिर से रणथंभौर के जंगलों में छोड़ दिया गया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।